जी हाँ दोस्तों आइए आज के आउटसोर्सिंग क्रम जुड़ी कुछ खबरों को फटाफट जान लेते हैं कहां से क्या खबर आई है तो सबसे पहले दोस्तों खबर देख लेते हैं आज यहां पर फतेहाबाद भास्कर से नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की मांगे मानी धरना खत्म जी हाँ दोस्तों बता दें यहाँ पर जाखल मंडी नगर पालिका के दोस्तों सफाई कर्मचारी की मांगों को लेकर अधिकारियों ने दोस्तों यहाँ पर इनको आश्वासन दे दिया है कि सभी मांगों पर दोस्तों विचार किया जाएगा और इनको मान लिया जाएगा बता दें यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रखा लेकिन वहीं सफाई कर्मचारियों व कार्यालय के अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया है सफाई कर्मचारियों का एल तुरंत उनके खाते में जमा करवाने बकाया एरियर की राशि अगले एक सप्ताह में डलवाए जाने का आश्वासन देने के बाद सफाई कर्मचारी ने दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शन समाप्त कर दिया है जिसको की एक अच्छी बात कह सकते हैं यहाँ पर बताया गया समान काम समान वेतन का एरियर दो से दोस्तों कर्मचारियों का पेंडिंग है जिसको लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे ये कर्मचारी हाशी भास्कर से देख लेते हैं अगली खबर यहाँ पर कई गांव की पंचायतों का धरना स्थल पर अनुबंधित कर्मचारियों को समर्थन जी दोस्तों बता दें आप लोगों को कि जो अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के कर्मचारी बैठे हुए हैं दोस्तों धरने पर कौशल रोजगार निगम में नाम शामिल करवाने को लेकर लगभग पच्चीस दिन से उनको दोस्तों समर्थन मिल रहा है बाहर से बाहर से मतलब यहाँ पर आस के जो ग्राम पंचायत है उनसे दोस्तों समर्थन मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात कह सकते हैं कर्मचारियों को जन समर्थन मिलना दोस्तों इससे आंदोलन को मजबूती मिलेगी और दोस्तों अपनी मांगे मनवाने में कर्मचारियों को आसानी होगी सरकार से उनके अधिकारियों से जजरबास्कर से देख लेते अगली खबर यहाँ पर बहुदेशीय कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सीएमओ से है मिले जी हाँ दोस्तों यहाँ पर सीएमओ से मिले हैं बता दें बहुदेशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन जिला झज्जर की मासिक मीटिंग दोस्तों सिविल सर्जन कार्यालय में हुई है और इन्होंने यहाँ पर अपने सिविल सर्जन से दोस्तों बातचीत की है और अपने मांगे उठाई है बता दें यहां पर कर्मचारी की मुख्य मांगों में है कर्मचारियों को यहां पर एलटीसी का लाभ दिया जाए कर्मचारी तनख्वाह समय पर दी जाए कर्मचारियों के आई कार्ड भी बनवाए जाए तो इस तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारी इकट्ठा हुए थे और अपनी मांगों पर डिस्कस यहाँ पर किया है यमुनानगर भास्कर से देख लीजिए डिवीजन वाइज कर्मचारियों का डाटा लेकर अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा ए सी एस जी दोस्तों अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के पदाधिकारी और ए सी एस पावर के दोस्तों बीच यहां पर जो वार्ता हुई है उसमें यहां पर यह डिसीजन लिया गया है कि जो कर्मचारी हैं दोस्तों अलग अलग डिवीजन के उनको दोस्तों उनका डाटा लेकर धीरे धीरे दोस्तों भेजा जाएगा और उनको दोस्तों अप्रूवल की जैसे ही मिलेगी तो कर्मचारी का डाटा कौशल रोजगार निगम पर डालना दोस्तों लगभग तय हो गया है यहाँ पर बता दिया गया है कि काम हम अपनी तरफ से स्टार्ट करने जा रहे हैं चौबीस दिन से दोस्तों धरने पर बैठे हैं यहां पर अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के कर्मचारी सिर्फ कौशल रोजगार निगम में शामिल होना चाहते हैं यही समस्या इतनी बड़ी समस्या हो रखी है विभाग के सामने की कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं करना चाहते हैं अपने कर्मचारियों को जो कि लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं हाँसी भरौला से देख लेते अगली खबर यहां पर कर्मचारियों की मांगों को लेकर जींद में होने वाली रैली के लिए सर्व कर्मचारी संघ ने किया है प्रचार जी हाँ दोस्तों काफी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारी अधिकारी पदाधिकारी दोस्तों यहां पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने ठेका प्रथा समाप्त करने निजीकरण आउटसोर्सिंग नीति को दोस्तों बंद करने कौशल रोजगार निगम को भंग करने जैसी मांगों को लेकर दोस्तों अट्ठाईस मई को जो प्रदर्शन होने जा रहा है जिनमें राज्य स्तरीय दोस्तों ये रैली होगी इसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है नारोल से देख लेते अगली खबर नौकरी को लेकर धरना जारी जी दोस्तों बता दें यहाँ पर जो नगर परिषद के कार्यरत दोस्तों जो चालक थे टीपर चालक उनको दोस्तों हटा दिया गया और ठेकेदार को दोस्तों यहाँ पर जो है काम दे दिया गया ठेकेदार को काम तो दिया ही गया सफाई का लेकिन जो ड्राइवर थे जो गाड़ी चला रहे थे कूड़ा उठाने वाली उन गाड़ियों को भी ठेकेदार को दे दिया गया कि आप ही चलाइए ठेकेदार ने क्या किया दोस्तों फिर क्या होना था भाई जो है ठेकेदार के पास गाड़ी चलेगी तो ये जो ड्राइवर थे वो कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए थे

तो यहां पर कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं कि गाड़ियों को ठेकेदार से वापिस लेकर विभाग अपने अंडर में ले और इनको वापिस नौकरी पर रखे तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देख लीजिए ग्रामीण चौकीदारों ने दोस्तों यहाँ पर लघु सचिवालय में विरोध प्रदर्शन के बाद सौंपा है ज्ञापन जी दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण चौकीदार पहुंचे हुए थे अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय में विरोध प्रदर्शन के दौरान गुरुग्राम रोड स्थित लघु सचिवालय परिसर में एकत्रित ग्रामीण चौकीदारों ने यहाँ पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने समान काम समान वेतन जैसी मांगों को लेकर दोस्तों प्रदर्शन किया है और आरोप लगाया है कि इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो दोस्तों यहां पर कर्मचारी ने पहले से ही ऐलान कर दिया है 24 जून को पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के आवास का दोस्तों ये घेराव करेंगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ग्रामीण चौकीदार भी दोस्तों तैयार हैं सरकार के सामने अपनी मांगे उठाने के लिए यहां पर 24 जून का दोस्तों इन्होंने समय निर्धारित कर दिया है अपनी मांगों को लेकर मंत्री के आवास को घेरने के दोस्तों ये तैयारी कर रहे हैं तो ग्रामीण चौकीदारों को मात्र बता दें सात हजार रुपये महीना ही मिलते हैं जो कि आज के समय में वास्तव में बहुत ही कम है और ग्रामीण चौकीदार 24 घंटे की ड्यूटी दोस्तों इनकी होती है किसी भी समय कहीं पर भी इनको बुलाया जा सकता कोई भी काम सौंपा जा सकता है तो ग्रामीण चौकीदार एक जिम्मेदार दोस्तों कर्मचारी कह सकते हैं गांव के अंदर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सोनीपत से खबर है मांगों के जल्द से जल्द समाधान की की गई है मांग जहाँ दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन की दोस्तों शाखा पब्लिक हेल्थ सोनीपत की दोस्तों यूनियन शिष्ट मंडल ने अधीक्षक अभियंता से मुलाकात की है और अपनी मांगों को दोस्तों उठाया है और यहाँ पर दोस्तों बता दें समाधान की मांग की है तो समाधान की मांग कर रहे हैं हालांकि अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन तो नहीं मिला है लेकिन पदाधिकारियों से मिलकर अपनी मांगे उठाना दोस्तों यहाँ पर कर्मचारियों ने यहाँ पर अप जो, ओ, अपना एक तरह से जायज समझा है पेवा से देख लेते अगली खबर पर बिजली कर्मचारियों का धरना नौवे दिन भी है जारी जहाँ दोस्तों बिजली कर्मचारी बैठे हुए हैं नौ दिन से धरना दे रहे हैं परेशानी क्या है इनके अधिकारियों के व्यवहार से दोस्तों ये कच्चे कर्मचारी परेशान हैं बताया गया है मुकेश कुमार ने बताया कि एस ऑपरेशन कच्चे कर्मचारियों को सीजन से में दोस्तों यहाँ पर बदली करके बताया गया है कच्चे कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल रहा है यानी कि एस डी ओ है शायद यहाँ पर जो इनको परेशान कर रहा है तो कर्मचारी यहाँ पर अपने सीनियर अधिकारी से परेशान है कच्चे कर्मचारी कुछ कंप्लेंट सेंटरों पर अकेले कच्चे कर्मचारियों को ड्यूटी दी जा रही है एस ने अपने नजदीक की कुछ फील्ड कर्मचारियों को ऑफिस में बैठा रखा है जो कि गलत बात है तो जब तक एस डी ओ ने जो गलत तरीके से कर्मचारियों की बदली की है उनको रद्द नहीं करता तब तक फील्ड जो कर्मचारी उनको ऑफिस में बैठा कर रखा तब तक ये धरना प्रदर्शन अपना करते रहेंगे तो कर्मचारी परेशान हैं देखिए कच्चे कर्मचारी जहाँ पर भी काम करते हैं तो इन्होंने मांग किया कि साथ में पक्के कर्मचारियों की ड्यूटी होनी चाहिए और जिन पक्के कर्मचारियों की ड्यूटी है दोस्तों फील्ड में तो उनको फील्ड में ही लगाया जाना चाहिए इस ऐसा इनकी यहाँ पर मांग है तो बिजली कर्मचारी हैं दोस्तों ये बता दें पर हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के कर्मचारी हैं और इसी के अंडर में दोस्तों धरना प्रदर्शन चल रहा है लोहारू से देख लेते अगली खबर पर अंशकालीन कर्मचारियों की बैठक 21 को तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट टाइम कर्मचारी की शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं 21 यानी कि कल दोस्तों इनकी स्थानीय यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री पार्क में बैठक है और अपनी मांगों को लेकर दोस्तों यहाँ पर यह विचार विमर्श करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे तो लोहारू लाल बहादुर दोस्तों शास्त्री जो पार्क इसमें बैठ शिक्षा विभाग के कच्चे कर्मचारी हैं जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं वो अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं कल दोस्तों और एक लास्ट खबर देख लेते हैं एक ग्राम पंचायत में दोस्तों सफाई कर्मचारी की दोस्तों यहाँ पर बता दे डिमांड आई है ग्राम पंचायत बुलंदपुर और यहाँ पर ब्लॉक है गनौर जिला है सोनीपत तो इसमें एक ग्रामीण सफाई कर्मचारी की दोस्तों आवश्यकता है बताया गया है यहाँ पर बाईस इस महीने की यानी कि 22 तारीख से लेकर 28 तारीख तक एक सादे कागज पर अपना आवेदन दे सकता है ब्लॉक ऑफिस में दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बता दें एक तारीख को इसका चयन कर लिया जाएगा आवेदन की तिथि अठाईस पाँच दो हजार तेईस से यहाँ पर बाईस पाँच दो हज़ार तेईस से अठाईस पाँच दो हजार तेईस है छठनी का समय बताया गया है उनतीस पाँच से तीस पाँच तक और चयन की तिथि है एक छः दो हजार तेईस आयु की बात करें तो अट्ठारह से दोस्तों पचपन साल की उम्र है सफाई कर्मचारी उसी गाँव का होना चाहिए और साथ में सब सबसे मेन बात है यहाँ पर किस तरह से आवेदन करना है सिंपल कागज पर अपने खंड कार्यालय में यानी कि ब्लॉक ऑफिस में अपना आवेदन दे सकता है तो सफाई कर्मचारी की आवश्यकता यहां पर है दोस्तों बता दें आप लोगों को कि समय समय पर इस तरह की दोस्तों खंड लेवल पर जो कमेटी होती है वो सफाई कर्मचारी जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उसका दोस्तों यहां पर चयन करती है तो ये थी सारी की सारी आज की, की आउटसोर्सिंग कर्मचार जुड़ी खबरें अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ शेयर करें थैंक यू वेरी मच